हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके के क्वेश्चन दोस्तों आपका वेलकम है दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों स्टडी रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन, राजस्थान जीके के क्वेश्चन और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी नमी रोकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र टंगस्टन की खान राज्य में स्थित है? तो डेगाना नागौर में स्थित है दोस्तों टंगस्टन की खान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल जी के दो विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की, तो सुंदर जी और रजब जी ने प्राप्त की थी दोस्तों, जो दोनों दादू जी के शिष्य थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है तारागढ़ का किला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डूंगरशाही ओढ़नी राजस्थान की किस कला से संबंधित है? तो राजस्थान की वाटिका कला से संबंधित है डूंगरशाही ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जोमनेर के अंदर स्थित है दोस्तों, ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोमनेर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसलमेर में स्वतंत्रता सेनानी और प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोफा का देहावास कहाँ हुआ? तो जेल में हत्या से हुआ दोस्तों, सागरमल गोफा देहावास बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नदी पर जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है? तो वह दोस्तों है खारी नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट बोले तो NaCO3 की उपलब्धता के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों वसुदेव था चौहान वंश का प्रथम शासक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता शासक चित्रांगन का संबंध किस राजवंश से था? तो मौर्य राजवंश से संबंधित था दोस्तों चित्रांगन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटारू और मणिहारी का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से संबंधित है घोटारू और मणिहारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का जो लोक देवता थे उनका प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है वो गोगा जी का प्रमुख स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट है, खुम्बी छतरक और कुरकुमा किसके उपनाम है? तो ये सभी दोस्तों मशरूम के उपनाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है? तो माही नदी है दोस्तों, वो मिलती है खंबात की खाड़ी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चूटिया लिखकर कब भेजा? तो ये 1903 में लिखकर भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो 1948 में शामिल किया गया दोस्तों, और कब? 25 मार्च को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली पर मुगल प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो आमेर शैली पर पड़ा दोस्तों मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख में ये बताया गया कि चौहान सूर्यवंशी थे? तो हरिकेली नाटक में बताया गया दोस्तों कि चौहान सूर्यवंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो नगर का पुराना नाम क्या दोस्तों? मालव नगर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है? तो शारदा एक्ट 1930 में निर्धारित की गई दोस्तों लड़की की उम्र 18 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां दोस्तों, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूती हुई गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया जोधपुर में अवशेष किसके पाए गए हैं? तो 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं
ओसिया जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो खारी और जो लवणीय भूमि होती है उसको हम कौन सी भूमि बोलते हैं दोस्तों, उसे हम ऊसर भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन सी है? तो नारायणी देवी वर्मा है उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसबगोल का मुख्य उत्पादन कहाँ होता है? तो जालौर के अंदर होता है इसबगोल का मुख्य उत्पादन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आहार के ताम्रपत्र में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो गुजरात के शासक भीमदेव के समय ये मेवाड़ पर इसकी जानकारी मिलती है आहार के ताम्रपत्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं? तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीर था दोस्तों रणथंभौर का शासक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय दोस्तों। अगर दोस्तों राजस्थान जीके के क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों।